हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एम डी पी एस स्टेइंग एट होम स्टडी प्रोग्राम दिस इज़ द लेक्चर ऑफ थर्ड क्लास ऑफ मैथ सब्जेक्ट एंड टुडे वी कंटिन्यू अवर टेंथ चैप्टर डिवीजन टूडेज टॉपिक इज डिवीजन ऑफ टू डिजिट नंबर बाय टू डिजिट नंबर पहले हमने क्या किया था टू डिजिट नंबर को डिवाइड किया था वन डिजिट नंबर पर अब इसमें हम क्या करेंगे टू डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर पर ही डिवाइड करना है जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली कि फोर्टी एट डिवाइड ट्वेल्व ये हमने एग्जांपल ली तो यहाँ पे डिवाइड डिविडेंड क्या है फोर्टी एट सो फोर्टी एट को हम क्या है बीच में लिखते हैं डिविडेंट को बीच में लिखते हैं और डिवाइजर क्या है ट्वेल्व ट्वेल्व को हमने आगे लिख दिया यहाँ पे अब ट्वेल्व का टेबल काउंट करो यहाँ पर फोर्टी एट आता है ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट सो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर्टी एट तो ये हमारा क्या आंसर आ गया कॉन्शियंट क्या आ गया हमारा फोर आ गया अगर हमने ये चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है तो हम क्या करते हैं जो हमारा डिवाइजर है उसको हम क्या है के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं सो so, वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे डिविडेंड के इक्वल आ जाएगा सो so, डिवाइजर क्या है ट्वेल्व मल्टीप्लाई कॉन्शेंट क्या है हमारा फोर ट्वेल्व को फोर के साथ मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट जो कि हमारा क्या था डिविडेंड था तो हमारा आंसर क्या हो गया सही हो गया फिर यहाँ पे देखो हमें एग्जाम्पल क्या दी है डिवाइड एटी नाइन बाई ट्वेल्व एट्टी नाइन को हमने ट्वेल्व पर डिवाइड करना है सो so, इसमें डिविडेंड क्या है एट्टी नाइन है जिसको हम क्या है यहाँ पे इसके बीच लिखेंगे है ना? और डिवाइजर क्या है ट्वेल्व ट्वेल्व को हम आगे लिखेंगे सो so, यहाँ पे देखो हम करते हैं इसको एट्टी नाइन डिविडेंड था और ट्वेल्व पर हमने डिवाइड करना था ट्वेल्व क्या हो गया हमारा डिवाइजर हो गया सो so, अब ट्वेल्व का टेबल काउंट करना है जहाँ तक कि हमारे पास नहीं तो हमारे पास एटी नाइन आए आ जाए नहीं तो फिर एटी नाइन से छोटा कोई नंबर आ जाए जो उससे पहले आ रहा है सो हमने ट्वेल्व सेवन जा कितना होता है ट्वेल्व सेवन जा एटी फोर होता है ट्वेल्व एट जा कितना होता है नाइन्टी सिक्स होता है सो नाइनटी सिक्स तो क्या हुआ एट्टी नाइन से बड़ा हुआ तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एट्टी फोर सो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया एट्टी फोर ट्वेल्व को सेवन के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ गया था एट्टी फोर आ गया था तो हमने ऊपर क्या लिख दिया यहाँ पे सेवन अब एट्टी नाइन में से एट्टी फोर हमने माइनस किए तो आया कितना फाइव सो फाइव क्या रह गया यहाँ पे रिमाइंडर रह गया क्योंकि अब ये फाइव क्या है हमारे जो डिवाइजर ट्वेल्व से छोटा है ना तो ये क्या रह गया रिमाइंडर सो so, फाइव है यहाँ पे रिमाइंडर सेवन क्या है कॉन्शेंट और ट्वेल्व क्या है डिवाइजर अगर हमने इसको चेक करना हो कि हमारा सम सही है या गलत हम क्या करते हैं जो हमारा डिवाइज़र होता है उसको कॉन्शेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सो टवेल्व को हमने सेवन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और अगर रिमाइंडर रह रहा है तो उसमें रिमाइंडर हमने प्लस कर देना है सो so, पहले हमने ट्वेल्व को सेवन के साथ मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व सेवनजा एट्टी फोर एट्टी फोर में हमने क्या है रिमाइंडर है वो प्लस कर देना है एट्टी फोर में हमने फाइव प्लस किया सो इज इक्वल टू एट्टी नाइन सो डिविडेंड भी क्या था हमारा एट्टी नाइन था है ना सो so, हमारा आंसर भी क्या हो गया सही हो गया सो so, ऐसे क्या है हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे हमें एग्ज़ाम्पल दी हुई है डिवाइड नाइन्टी फोर बाय फोरटीन नाइन्टी फोर को डिवाइड करना है सो so डिविडेंड क्या हुआ नाइन्टी फोर इसको हम क्या है बीस में लिखेंगे और डिवाइड किस पर करना है 14 पर सो so 14 क्या हो गया डिवाइजर तो इसको हम क्या लिखेंगे आगे लिखेंगे अब फोर्टीन को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि नहीं तो हमारे पास क्या आ जाए नाइन्टी फोर आ जाए नहीं उससे छोटे वाला कोई नंबर आ जाए अगर हमने फोर्टीन को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया फोर्टीन सिक्स जा एटी फोर है ना फोर्टीन को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एट्टी फोर आ गया अगर हमने फोर्टीन को सेवन के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आएगा सेवन फोर जा ट्वेंटी एट टू कैरी सेवन वन जार सेवन और टू नाइन्टी एट सो नाइन्टी एट क्या हो गया इस नाइन्टी फोर से बड़ा हो गया तो हम क्या लेंगे एट्टी फोर लेंगे सो so, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया एट्टी फोर लिख दिया और सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके आया था सिक्स हमने ऊपर लिख दिया सो नाइन्टी फोर में से एट्टी फोर माइनस किए फोर में से फोर माइनस किए जीरो नाइन में से एट माइनस किया वन सो टेन क्या आ गया रिमाइंडर आ गया हमारे पास है ना क्योंकि टेन क्या है अब डिवाइजर से छोटा है फोर्टीन से छोटा है तो अब आगे तो इसको डिवाइड नहीं कर सकेंगे हम सो so, टेन क्या आ गया हमारा रिमाइंडर एंड सिक्स क्या आ गया हमारा कॉन्शियंट देखो नीचे कॉन्शियंट क्या है हमारा सिक्स और रिमाइंडर क्या है हमारा टेन अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है सो so, चेक करने के लिए क्या करते हैं हम जो डिवाइज़र होता है उसको हम क्या है हमारे कॉन्शियंट के साथ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर उसमें प्लस कर देते हैं सो so, फोरटीन को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया फोर्टीन सिक्स या एट्टी फोर अब एट्टी फोर में हमने क्या है रिमाइंडर प्लस कर देना एट्टी फोर प्लस टेन कितना हो गया हमारे पास नाइन्टी फोर बन जाएगा सो नाइन्टी फोर ही हमारा क्या था डिविडेंड था सो हमारा आंसर क्या हो गया सही हो गया ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो डिवाइड नाइन्टी सिक्स बाई इलेवन नाइन्टी सिक्स को हमने इलेवन पर डिवाइड करना है सो नाइन्टी सिक्स क्या हो गया डिविडेंड इसको हमने बीच में लिख लिया और डिवाइड इलेवन पर करना है जो क्या है डिवाइजर उसको हमने आगे लिख दिया अब इलेवन का टेबल काउंट करना है कि हमारे पास नहीं तो क्या आ जाए नाइन्टी सिक्स आ जाए नहीं तो उससे पहले का कोई भी नंबर आ जाए लेकिन उससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए हमारे पास हमने एलेवन को एट्स से मल्टीप्लाई कियावन एट्स ज़्यादा एट्टी एट so, सो हमने एट्टी एट लिख दिया क्योंकि अगर एलेवन नाइनज़ार करते हम तो हमारे पास कितना आता नाइन्टी नाइन आता सो नाइन्टी नाइन तो क्या है नाइन्टी सिक्स से बड़ा है हमने क्या लेना है इससे छोटा सो so, हमने इलेवन को एट से मल्टीप्लाई किया एलेवन एट सा एट्टी एट सो हमने क्या लिखा यहाँ पे एट्टी एट लिख दिया और ऊपर क्या आ गया एट आ गया क्योंकि इलेवन को हमने एट के साथ मल्टीप्लाई किया था सो so, अब नाइन्टी सिक्स में से एट्टी सिक्स माइनस का एट्टी एट माइनस करनी है सो so, सिक्सटीन में से एट माइनस किए एट तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या रह गया हमारे पास एट रह गया और कॉन्शेंट कितना है एट ही कॉन्शेंट है हमारा सो so, अब क्या करेंगे हम इसको चेक करेंगे चेक कैसे करेंगे जो हमारे डिवाइजर है उसको कॉन्शेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें रिमाइंडर प्लस कर देंगे सो so, इलेवन को हमने एट के साथ मल्टीप्लाई इलेवन एट एटी एट एटी एट में हमने क्या है रिमाइंडर प्लस कर देना है एट प्लस किया उसमें एट प्लस एट सिक्सटीन का नाइनटी सिक्स नाइनटी सिक्स ही हमारा क्या था डिविडेंड था तो so, यहाँ पे हमारा आंसर ये क्या हुआ सही हुआ नेक्स्ट क्या है डिवीजन ऑफ थ्री डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर अब क्या हमने थ्री डिजिट नंबर को वन डिजिट नंबर पर डिवाइड करना है सो so, जैसे हमने टू डिजिट नंबर को वन डिजिट पर डिवाइड किया था ऐसे ही आप थ्री डिजिट को वन डिजिट पर डिवाइड करना है सो so, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है डिवाइड टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री बाई फोर टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री को किस पर डिवाइड करना है फोर पर सो so, डिविडेंड क्या है इसमें टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री और डिवाइजर क्या है फोर है सो so, देखो यहाँ पे हमने किया टू हंड्रेड यहाँ पे हम कर रहे हैं इस साइड देखो हमने यहाँ पे कर रहे हैं इसको ऊपर कर रहे हैं टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री बाय फोर से डिवाइड करना है हमने टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री को हमने फोर पर डिवाइड करना है सो फर्स्ट क्या है हम वन डिजिट देखते हैं वन डिजिट क्या है इसका टू है टू तो क्या करेगा टू तो क्या है फोर से छोटा है तो हम क्या है टू डिजिट ले लेंगे इसके टू डिजिट कितने हो गए ट्वेंटी सेवन अब फोर का टेबल काउंट करेंगे कि ट्वेंटी सेवन जा उससे छोटे वाला कोई नंबर आ जाए फोर फाइव जा कितना होता है ट्वेंटी होता है फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर फोर सेवन जा ट्वेंटी एट होता है ट्वेंटी एट तो इससे बड़ा हो जाएगा सो हम क्या करेंगे फोर को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर सो ट्वेंटी सेवन में से ट्वेंटी फोर माइनस किया तो कितना आया थ्री में थ्री आ गया हमारा सो so, ऊपर से हम क्या है इस थ्री को भी नीचे ले आएंगे यहाँ पे, सो so, थ्री भी नीचे आ गया अब फोर का टेबल फिर से काउंट करेंगे कि हमारे पास थर्टी टू के छोटा नंबर आ जाए या जा थर्टी थ्री आ जाए सो फोर एट जा कितना होता है थर्टी टू होता है फोर नाइन जा थर्टी सिक्स हो जाएगा सो so, हम क्या लिखेंगे फोर एट जा थर्टी टू सो so, वन क्या आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया यहाँ पे वन क्या आ गया रिमाइंडर सो so, अब इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं गलत है सो so, हम क्या करते हैं डिवाइजर को कॉन्सेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सो सिक्सटी एट को हमने क्या है फोर के साथ मल्टीप्लाई कर देना उसमें रिमाइंडर प्लस कर देना है एट फोर जा थर्टी टू का टू आ गया थ्री हमारे कैरी आ गए और सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में थ्री प्लस किया ट्वेंटी सेवन सो इनको मल्टीप्लाई करके आया टू हंड्रेड सेवेंटी टू और रिमाइंडर इसमें प्लस कर देना इसमें वन प्लस किया थ्री सेवन टू टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री हमारा डिविडेंड भी क्या था टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री था तो हमारा आंसर क्या हुआ सही हुआ देखो यहाँ पे भी करके दिखाया हुआ है सो so, फोर हमने टू डिजिट लिए थे यहाँ पे अब फोर का टेबल काउंट करना था फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर क्योंकि फोर सेवन जा ट्वेंटी एट होता है वो क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेवन से बड़ा हो जाएगा लेकिन हमने छोटा लेना है इससे फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर लिख दिया हमने सिक्स ऊपर लिख दिया अब ट्वेंटी सेवन में से ट्वेंटी फोर माइनस किए थ्री ऊपर से हमने थ्री इस नीच, इसे नीचे ले आए तो ये बन गया हमारे पास थर्टी थ्री अब फोर का टेबल फिर से काउंट करना है कि हमारे पास थर्टी टू जा उससे छोटा कोई नंबर आ जाए फोर एट जा कितना होता है थर्टी टू होता है तो हमने थर्टी टू लिख दिया यहाँ पे थर्टी थ्री में से थर्टी टू माइनस के तो वन क्या आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया सो so, इसमें अगर पूछा जाए कि कॉन्शियट क्या है कॉन्शियट है सिक्सटी एट रिमाइंडर पूछा जाए रिमाइंडर क्या है वन अगर पूछा जाए डिविडेंड डिविडेंड क्या है टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री अगर पूछा जाए डिवाइजर डिवाइजर है फोर लेकिन अगर अगर चेक करना हो कि आंसर सही है या गलत तो क्या करते हैं हम डिवाइज़र को जो हमारा डिवाइजर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम कॉन्शेंट के साथ उसमें प्लस क्या करते हैं हम रिमाइंडर प्लस कर देते हैं सो so, यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है डिवाइजर को कॉन्शियंट के साथ मल्टीप्लाई और रिमाइंडर उसमें हमने प्लस कर देना है किसके इक्वल आ जाएगा वो डिविडेंट के इक्वल आ जाएगा यही हमने बोला था ना सो नीचे करके भी दिखाया हुआ है देखो हमारा डिवाइजर क्या था फोर डिवाइजर था फोर और कॉन्शियंट क्या था सिक्सटी एट फोर को सिक्सटी एट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और रिमाइंडर वन रह गया तो उसको प्लस कर दिया हमने सो हमारा आंसर कितना आ गया टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री सो कौन डिविडेंड भी क्या था हमारा टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री था ना देखो ऊपर ये देखो टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री था डिविडेंड भी है ना सो so, ऐसे क्या है हम अपने सम को चेक कर सकते हैं कि वो हमारा आंसर सही है या गलत है सो हियर वी कंप्लीट अवर दिस लेक्चर सो थैंक यू टू आर स्टूडेंट्स